हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो दिस इज़ योर टीचर पूजा सहानी विद योर बुक ग्रामर ग्लिटर ओडीसी बाय ब्रेन रूट सीरीज, एंड वी आर नाउ डूइंग चैप्टर नंबर 10। और चैप्टर नंबर 10 है प्रोनाउंस। सो हम नाउन कर चुके हैं और अब हम करने वाले हैं प्रोनाउन। सो बच्चों, नाउन क्या था? नाउन होते हैं नेमिंग वर्ड। नाउन वो होते हैं जब हम किसी को नाम देते हैं, किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को। अब प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं बच्चों जो नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं। ओके, सो प्रोनाउन आर अ टाइप ऑफ जेनेरिक नाउन दैट कैन रिप्रेजेंट एनी अदर नाउन। सो जो किसी नाउन की जगह पर यूज़ किए जाएँ उन्हें कहते हैं प्रोनाउन। सो आपको ये याद रखना है, प्रोनाउन आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं। आज हम करने वाले हैं बच्चों पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है? और यहाँ पर है एक इंटरप्रिटेशन बॉक्स। प्रोनाउन इज़ यूज्ड फॉर बोथ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन इंडिविजुअल्स। ये दोनों के लिए यूज़ होता है, मैस्कुलिन के लिए भी और फेमिनिन के लिए भी, एंड फॉर सब्जेक्ट के लिए भी और ऑब्जेक्ट के लिए भी। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है बच्चों? दिस काइंड ऑफ प्रोनाउन इज़ यूज्ड, इस तरह का प्रोनाउन यूज़ किया जाता है बात करने के लिए किसी सर्टन पीपल और ग्रुप के बारे में। जब हम किसी सर्टन पीपल और ग्रुप की बात करते हैं तो हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। एग्जाम्पल, ही, शी, दे, यू, वी। ही बॉय के लिए यूज़ हो रहा है, शी गर्ल के लिए यूज़ हो रहा है, दे बहुत सारे कोई ग्रुप में है चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, यू तुम, ओके? ये अब यू प्लूरल भी हो सकता है और सिंगुलर भी हो सकता है, वी हम, ठीक है? तो इस तरह से पर्सनल प्रोनाउन यूज़ होता है अबाउट सर्टेन पीपल और ग्रुप के बारे में। नेक्स्ट वी हैव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सो दिस काइंड ऑफ प्रोनाउन शोज एग्जैक्टली वॉट वी मीन बाय पॉइंटिंग ऑन स्पेसिफिक थिंग्स और आइडियाज़। जब हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट करके कहते हैं ना, और फिर हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सो दिस, दैट, दीज, दोज, लाइक दिस इज़ माई बुक, ओके, दैट इज़ योर पेन। सो इस तरह से जब हम पॉइंट आउट करके स्पेसिफिक चीज़ों और आइडियाज़ की बात करते हैं तो वो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब कई बार बच्चों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। सो उसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर डिफरेंट फ्रॉम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। वो डिफरेंट होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रिप्लेस कर देता है नाउन को, जबकि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नाउन के बाद आता है, प्रिसीड अ नाउन एंड क्वालिफाई इट, और उसकी क्वालिटी बताता है। सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करता है? नाउन को रिप्लेस कर देता है, ओके? सो आगे चलते हैं, और दिस इज ए एक्सरसाइज। हमें क्या करना है यहाँ पर बच्चों? रिप्लेस करना है अंडरलाइन एक्सप्रेशंस को बिल्कुल सही पर्सनल प्रोनाउन से, ठीक है? सो इससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, ओके? फॉलो द एग्जाम्पल, द गर्ल इज़ इन द लाइब्रेरी। गर्ल, उसके लिए हम यूज़ करेंगे शी, शी इज़ इन इट। लाइब्रेरी के लिए हम यूज़ करते हैं इट। सो इसी तरह से हमने बाकी के पॉइंट्स भी करने हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेयर इज़ द बॉक्स, ओपन द बॉक्स प्लीज़। अब बार बार यहाँ पर बॉक्स बॉक्स आ रहा है, सो दिस इज़ नॉट लुकिंग इम्प्रेसिव एंड इफेक्टिव। इसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रोनाउन, हेयर इज़ द बॉक्स, ओपन इट प्लीज़। मोनिका इज़ रोहन्स मदर। रोहन कॉल्स हिज मदर एवरी इवनिंग। मोनिका इज़ रोहन्स मदर, ही कॉल्स हर। मदर है, फीमेल है, तो हम यूज़ करेंगे हर। ही कॉल्स हर एवरी इवनिंग। तो आपको पता चल रहा है ना किसकी बात हो रही है, बिकॉज पहले हम डिफाइन कर चुके हैं मोनिका इज़ रोहन्स मदर। जैक ब्राउन एंड आई आर क्लोज फ्रेंड्स। अब तीन जनों की बात हो रही है, आई, तो ये मैं बता रहा हूँ, तो हम कहेंगे वी आर क्लोज friends, okay? So ये यहाँ से हट जाएगा, we are close friends.
My father bought mangoes. The mangoes are on the table. So, my father bought mangoes. They are on it. Okay, table. The fireman rescued the dog from the pit. So, he rescued the dog from the pit. This is my shirt. It has a hole in it. My friends and I are telling Robert about our vacations. My friend and I, we are telling Robert about it. Our vacations. Okay? So, इस तरह से हम इन्हें personal pronoun में change कर लेते हैं. And we go ahead now. B. Tick the correct personal pronoun in each sentence. On Sunday, my mother reads to me. Okay? Have dash got a computer? Have you got a computer? Have them got a computer? तो ठीक नहीं होगा ना? Have you got a computer? क्या आपको computer मिला? I, we are going to meet they, them tonight. आर आ गया है तो वी ही आएगा, आई नहीं आएगा. वी आर गोइंग टू मीट देम टू नाइट, राइट? शी और हर. शी हर गेव द अम्ब्रेला टू आई मी. शी गेव द अम्ब्रेला टू मी. ओके. दे या देम सॉ हिम या ही एट द ग्रोसरी स्टोर यस्टरडे. दे सॉ हिम एट द ग्रोसरी स्टोर यस्टरडे. ओके. सो हमें टिक करना है यहाँ पर राइट पर्सनल प्रोनाउन पे. सो हम इसे टिक भी कर रहे हैं. ठीक है बच्चों, आपको इसे लिखना है अपनी नोटबुक में. ओके. अस, आई एम गोइंग टू स्लीप. प्लीज वेक मी और अस अप एट 6 AM. आई एम, अब यहाँ पर आई ठीक है बिकॉज एम आ गया है तो अस नहीं आएगा. आई एम गोइंग टू स्लीप. प्लीज वेक मी, अस नहीं आएगा. बिकॉज अस हम यूज करते हैं बहुत सारों के लिए. अब एट 6 AM. सो आई होप कि अब आपको पर्सनल प्रोनाउन बच्चों क्लियर हो रहे होंगे कि इनमें कौन कौन से सही हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस. सो वी गो अहेड नाउ. नाउ द सी एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यहाँ पर फिल करना है. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जब हम किसी चीज पे पॉइंट आउट करते हैं. डैश एनिमल्स आर वेरी हंग्री. सो यहां पर हम लिखेंगे दोज एनिमल्स आर वेरी हंग्री. डैश इज माई फेवरेट बुक टू रीड एट. दिस इज माई फेवरेट बुक टू रीड एट. लुक एट डैश साड़ी आई एम वेयरिंग. एक ही साड़ी है ना जो हम मैंने पहनी हुई है. सो लुक एट दिस साड़ी. ओके बच्चों, बिकॉज जो दिस एंड दैट है वो यूज होगा सिंगुलर नाउन के लिए. ओके. एंड दीज और दोज किसके लिए यूज होगा? प्लूरल के लिए. ओके. आई रियली लाइक डैश हैट यू आर वेयरिंग. एक ही की बात हो रही है. सो आई रियली लाइक दैट हैट. मीरा वॉन्ट्स ऑरेंजेस प्लूरल है डिस्प्लेड इन द विंडो. मीरा वॉन्ट्स डिस्प्लेड इन द विंडो. तो वो थोड़ा दूर है तो हम यहाँ पर यूज करेंगे दोज. मीरा वॉन्ट्स दोज ऑरेंजेस डिस्प्लेड इन द विंडो. डैश शूज आर हर्टिंग माई फीट. दिस तो नहीं आएगा बिकॉज शूज है, प्लूरल की बात हो रही है. So we will write here, these shoes are hurting my feet, right? So we go ahead, आगे की एक्सरसाइज करते हैं. इसमें बच्चों हमने क्या करना है? Rewrite the story using pronouns wherever necessary. हमें इस स्टोरी को दोबारा लिखना है. जहाँ पर भी प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं हम, जहाँ ज़रूरत है. जैसे कि अब यहाँ पर है, रमन एंड रमन्स फादर लव टू गो फिशिंग ऑन संडे मॉर्निंग. रमन एंड रमन्स फादर, इट इज़ नॉट लुकिंग इफेक्टिव और इम्प्रेसिव.
सो हम इसको कैसे इफेक्टिवली करेंगे? रमन एंड, आप इसे रीराइट करेंगे अपनी नोटबुक में, हिज फादर. रमन एंड हिज फादर लव टू गो फिशिंग ऑन संडे मॉर्निंग. रमन एंड रमन्स फादर, फिर से हम ऐसे करेंगे, रमन एंड हिज फादर लाइक टू फिश व्हेन द लेक इज क्वाइट एंड मोस्ट पीपल आर स्टिल स्लीपिंग. उन्हें फिश करना पसंद है जब ज़्यादातर लोग, लेक शांत हो और ज़्यादातर लोग सो रहे हों. टुडे बोथ रमन एंड हिज फादर वोक अप अर्ली टू गो फिशिंग. ओके, रमन टुक हिज बेट टू कैच फिश. द बेट वॉज रमन्स स्पेशल. द बेट, अब बार बार बेट की बात हो रही है, सो यहाँ पर आ जाएगा इट वॉज रमन्स स्पेशल बेट. ओके, रमन्स फादर टुक हिज फादर टुक लॉट्स ऑफ नाइट क्रॉलर वॉर्म्स. ओके, ही बिलीव्स दैट when raman and when they use night crawler worms, they use these, they always catch a lot of big fish. Okay, so is tarah se humne jahan par zarurat thi wahan par पर्सनल प्रोनाउन या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन्स को यूज़ किया है. सो इस तरह से जहाँ पर भी नेसेसरी है वहाँ हमने प्रोनाउन्स को यूज़ किया है. सो आई होप बच्चों कि अब आपको पर्सनल प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्लियर हो गए होंगे. और हम प्रोनाउन को क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि बार बार हमें सेंटेंस में नाउन का यूज़ ना करना पड़े. प्रोनाउन का यूज़ करके हम अपनी स्पीकिंग इंग्लिश और राइटिंग इंग्लिश को इम्प्रेसिव बनाते हैं. सो ऑलवेज रिमेंबर कि हम प्रोनाउन्स का यूज़ कब करते हैं और कैसे करते हैं. लाइक ही का यूज़ हम बॉय के लिए करते हैं, शी का गर्ल के लिए, उन्हीं के लिए बॉय के लिए हिज हिम और गर्ल के लिए हर यूज़ करते हैं, राइट. इसी तरह से वी यू दे इट और डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस दैट दीज दोज. सो प्लीज़ learn these pronouns and I hope that this chapter is clear to you now. So we have a vocabulary topic, word formation from your book, Grammar Glitter ODC by Brain Root series. And word formation kya hai bachcho? Word formation is a fascinating aspect of any language. Kisi bhi language ka fascinating aspect hai, jinmein hum prefix ya suffix ya koi bhi affix add karke नए वर्ड्स बनाते रहते हैं. ओके, सो इससे क्या होता है, हमारी स्पीकिंग इंग्लिश भी इम्प्रूव होती है और राइटिंग इंग्लिश भी. सो एफिक्सेस आर द रूट और बेस वर्ड दैट इज एडेड टू फॉर्म अ मीनिंग. सो एफिक्सेस क्या होते हैं? रूट और बेस वर्ड होते हैं जिसमें कुछ ऐड किया जाता है एक नया वर्ड बनाने के लिए या उस वर्ड का मीनिंग चेंज करने के लिए. जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन ब्रैकेट्स. You need a noun. Okay, so everybody admired Tara's dash to take up a new job abroad. So determined, हर एक ने admire किया तारा की determined को, नहीं, to take up a new job abroad. Abroad में new job लेने के लिए. So determined से हम क्या new word बना लेंगे? Determination. Okay, the dash did some amazing card tricks. Magic, magician. Okay, we have to check the dash of the items you need in our stock, madam. हमें अपने stock में items की क्या check करनी पड़ेगी? Availability. Availability. My dash is to get a good job, to be independent. Ambition. Okay, I have bought some detergent for dash of the stain of the curtains. Some detergent for removal. Okay, the guide's dog really helped Daniel due to his blindness. Okay,
सो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन एफिक्सेस में कुछ वर्ड्स ऐड करके न्यू वर्ड फॉर्म कर रहे हैं और हमें मिल रहे हैं नाउन्स. ओके, सो वी कुडंट सी एनीथिंग, द रूम वॉज इनकम्प्लीट डार्कनेस, राइट. सो चलिए आगे चलते हैं. कंप्लीट दिस क्रॉसवर्ड विद द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन एज क्लू. सो साइलेंट, साइलेंट से क्या बन जाएगा, साइलेंस. ओके, फुलिश फूल, चूज चॉइस, राइट, प्राउड प्राइड, डाई डेथ, हॉट हीट, स्पीक स्पीच एंड लास्ट सेल सेल. सो हमने क्या बनाए बच्चों, न्यू वर्ड्स बनाए, इन्हीं वर्ड्स में कुछ ऐड करके और कुछ हटा के. सो इस तरह से हम करते हैं वर्ड फॉर्मेशन. ओके, और ये होता है लैंग्वेज का फैसिनेटिंग एस्पेक्ट जिससे हमें न्यू वर्ड्स मिलते रहते हैं. सो आई होप दैट वर्ड फॉर्मेशन इज क्लियर टू यू नाउ. थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे.